हाउ आर यू क्लास फर्स्ट, वेलकम टू द श्री क्षेत्रेश्वर इंग्लिश अकेडमी। आज हम आपके हिंदी की बुक का चैप्टर 14 पढ़ेंगे। हिंदी की बुक का चैप्टर 14 जिसका नाम है म्याऊं और लोटा। क्या नाम है आपके चैप्टर का? म्याऊं और लोटा। तो चलो देखते हैं हम इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। एक था बच्चा, हाँ हाँ बिल्ली का बच्चा। क्या था? एक बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम था म्याऊ। बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था? म्याऊ। वह बहुत शरारती था, सारे दिन इधर उधर घूमता रहता था। जो बिल्ली का बच्चा था जिसका नाम म्याऊ था, वो बहुत शरारती था, सारे दिन इधर उधर घूमता रहता था। आपकी तरह वो भी बहुत शरारती था, जो कुछ मिलता खाता रहता था। जो कुछ भी उसको मिलता था ना, वो बस उसे खाता रहता था। खा खा कर म्याऊ मोटा हो गया, हाँ बहुत मोटा। माँ समझाती पर वह नहीं सुनता। म्याऊ क्या था? जो भी मिलता था ना, वो खा लेता था। तो खा खा कर क्या हो गया था? म्याऊ मोटा हो गया था, बहुत मोटा हो गया था। माँ उसे समझाती पर वह सुनता नहीं था। म्याऊ नहीं सुनता था अपनी माँ की। एक दिन रितु के रसोई घर का दरवाज़ा खुला था। अब इसमें एक रितु है, जो रितु क्या एक लड़की है, तो उसके रसोई घर का क्या था? दरवाज़ा खुला था। रसोई घर मीन्स रसोई जो होती है ना, किचन, उसे बोलते हैं रसोई घर। तो एक दिन रितु के रसोई घर का दरवाज़ा खुला था, म्याऊ भीतर चला गया। म्याऊ कहाँ चला गया? रसोई घर में चला गया। एक लोटे में दूध रखा था, उसकी तो मौज हो गई। अब वो किचन में गया, म्याऊ रसोई में गया, तो एक लोटे में क्या रख रखा था? दूध रखा था। अब दूध को देख के तो म्याऊ की क्या हो गई? मौज हो गई, क्योंकि म्याऊ को क्या पसंद था? बिल्ली वगैरह जो होती है उनको क्या पसंद है? दूध सबसे ज़्यादा पसंद है। तो म्याऊ की क्या हो गई थी? मौज हो गई थी। बिल्ली के बच्चे ने लोटे में मुंह डाला। बिल्ली के बच्चे ने क्या किया? वो जो लोटा था ना, उस लोटे में अपना मुंह डाला। दूध नीचे था, उसने पूरा सिर अंदर डाल दिया। अब जो लोटा था ना, उसमें दूध क्या था? नीचे की ओर था। तो म्याऊ ने क्या किया? अपना पूरा सिर किसमें डाल दिया? लोटे के अंदर डाल दिया, और गप 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 सारा दूध पी गया। और उसने क्या किया? फटाफट सारा दूध पी गया। अब म्याऊ ने लोटे से मुंह बाहर निकालना चाहा, पर वह तो फंस गया था। अब म्याऊ ने क्या किया? लोटे से मुंह बाहर निकालना चाहा, लेकिन वो फंस गया था। क्यों फंसा? क्योंकि म्याऊ मोटा हो गया था, और उसने मुंह तो अंदर डाल दिया, लेकिन अब वो वापस निकल नहीं रहा था। इसलिए माँ उसे बोलती थी कि तुम मोटे हो गए हो, थोड़ा कम खाया करो। इसमें दे नहीं रखा है कि कम खाया करो, बट वो उसे समझाती थी कि तुम मोटे हो गए हो, इसीलिए वो समझाती थी कि कहीं एक दिन वो फंस ना जाए। अब म्याऊ ने लोटे में मुंह बाहर निकालना चाहा, पर वह तो फंस गया था। म्याऊ लोटे को इधर उधर पटकने लगा, उसका सिर किसी तरह बाहर ना आया। म्याऊ क्या करने लगा? लोटे को इधर उधर अपने सिर से पटकने लगा, लेकिन उसका सिर तो बाहर आया ही नहीं। वह रोने लगा। अब म्याऊ क्या करने लगा? म्याऊ अब रोने लग गया। रितु ने म्याऊ की आवाज़ सुनी, वह दौड़ी आई। अब रितु, जिसके घर में उसने जाके दूध पिया था, वो बच्ची आई। रितु ने म्याऊ की आवाज़ सुनी और वह दौड़ी आई। उसने म्याऊ की आवाज़ सुनी, म्याऊ रोने लग गया था, तो आवाज़ सुनी और वह दौड़ के आई। उसने म्याऊ को पकड़ा, लोटा, उसने म्याऊ को क्या किया? पकड़ा, बैठ कर लोटा पाँव के बीच रखा, म्याऊ को खींचा। उसने क्या किया? उसने म्याऊ को पकड़ा और लोटे को अपने पाँव के बीच में रख के म्याऊ को खींचा। म्याऊ का सिर बाहर निकल गया, और म्याऊ का सिर क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो रितु ने क्या किया? म्याऊ को बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट पेज पे आओ। म्याऊ की आंखों में आंसू थे। म्याऊ की आंखों में क्या थे? आंसू थे। क्यों थे? क्योंकि उसका सर लोटे में फंस गया था और वो बाहर निकल नहीं रहा था, इसलिए म्याऊ रोने लग गया था। तो म्याऊ की आंखों में क्या थे? आंसू थे। रितु हंसते हंसते बोली, किसी के हिस्से का दूध पिया यह उसकी सजा थी। रितु ने म्याऊ को क्या बोला? रितु हंसते हंसते म्याऊ को बोली कि तुमने किसी के हिस्से का दूध पिया यह उसकी सजा थी, भाग यहाँ से। रितु क्या बोलती है उस बिल्ली के बच्चे को? म्याऊ को, भाग यहाँ से। बिल्ली का बच्चा लोटे के ऊपर से कूदा और भाग गया। बिल्ली के बच्चे ने क्या किया? जो लोटा पड़ा था उसके ऊपर से कूदा और भाग गया। तो ये था आपका चैप्टर म्याऊं और लोटा। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर जो भी है वो। तो देखो, सबसे पहले शब्दार्थ देखो इसके। शरारती का शब्दार्थ क्या होता है? नटखट। भीतर का शब्दार्थ क्या होगा? अंदर। और पाँव का शब्दार्थ क्या होगा? पैर। उसके बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है? ओरली करना है। क्या करना है? ओरल।
तो देखो ये रहा, सिर्फ आपको इसमें ओरल ही करना है, बताना है। मैं आपने चैप्टर पढ़ लिया, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, बताओ बिल्ली के बच्चे का नाम, बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था, बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था, हमने पढ़ा था अभी, क्या नाम था बिल्ली के बच्चे का? यस, बिल्ली के बच्चे का नाम था म्याऊ। क्या नाम था? म्याऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप ये वाला, बिल्ली का बच्चा खा खा कर कैसा हो गया था, बिल्ली का बच्चा खा खा कर कैसा हो गया था बताओ? यस, बिल्ली का बच्चा खा खा के मोटा हो गया था। कैसा हो गया था? मोटा। माँ किसे समझाती थी? माँ म्याऊ को समझाती थी। किसे समझाती थी? माँ म्याऊ को। अब अगला क्या है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सबसे पहले ये वाला देखो, बिल्ली का बच्चा कैसा था, बिल्ली का बच्चा कैसा था, छोटा पतला शरारती, इनमें से सभी। कैसा था बिल्ली का बच्चा? छोटा था, पतला था, शरारती था, या ये सभी थे? तो बिल्ली का बच्चा था शरारती, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, शरारती इसका ऑप्शन राइट होगा, बिल्ली का बच्चा था शरारती। नेक्स्ट देखो, लोटे में क्या रखा था, लोटे में क्या रखा था, पानी दूध लस्सी घी। लोटे में क्या रखा था, पानी दूध लस्सी और घी, क्या रखा था? तो लोटे में रखा था दूध, दूध रखा था, तभी तो म्याऊ उसे पीने के लिए और उसका सर उसमें फंस गया, तो इसका आपके राइट ऑप्शन होगा दूध, लोटे में दूध रखा था। कर लिया सबने? नेक्स्ट पेज पे चले। ओके, नेक्स्ट पेज आपका ये रहा, क्या दे रखा है ये देखो आप। सबसे पहले, म्याऊ का मुंह किस में फंस गया था, हमने पर चैप्टर में पढ़ा है, म्याऊ का मुंह किस में फंस गया था, सुराही में, घड़े में, लोटे में या गिलास में? आपको बताना है म्याऊ का मुंह किस में फंस गया था। यस, म्याऊ का मुंह फंसा था लोटे में। किस में फंसा था? लोटे में। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड राइट, लोटे में। लगा लिया सबने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड ये देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिक्त स्थान फिल कर दिए हैं, फिर भी आप एक बार देखो, आप अपनी बुक में भी लिखो ये, म्याऊ बहुत शरारती था, म्याऊ बहुत शरारती था, तो फर्स्ट में क्या आएगा आपके? शरारती। उसके बाद ये वाला देखो, एक दिन रितु के रसोई घर का दरवाज़ा खुला था, एक दिन रितु के रसोई घर का दरवाज़ा खुला था, तो आपके ख में क्या आएगा? रसोई घर, तो लिखो रसोई घर। फिर रितु ने म्याऊ की आवाज़ सुनी, रितु ने म्याऊ की आवाज़ सुनी, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी अगला फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे? आवाज़, क्या लिखोगे? आवाज़। तो इसमें आप लिखो आवाज़, मैंने लिख रखा है, आप उसको देख के लिख सकते हो। फिर म्याऊ की आँखों में आंसू आ गए थे, म्याऊ की आँखों में आंसू आ गए थे, तो ग में आप क्या लिखोगे? आँखों, क्या लिखोगे? आँखों में। फिर लास्ट वाला देखो आप, बिल्ली का बच्चा लोटे के ऊपर से कूदा और भाग गया, बिल्ली का बच्चा लोटे के ऊपर से कूदा और भाग गया, तो ड में क्या आएगा आपके? बिल्ली, क्या आएगा? बिल्ली। लिख लिया सबने? फिल कर दिए सबने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, क्वेश्चन कर लिया ये सबने, सबने लिख लिया। फर्स्ट में आएगा आपके शरारती, सेकंड में रसोई घर, फिर आवाज, आंखों और बिल्ली। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन फोर्थ, जिसके हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके, म्याऊ ने दूध कैसे पिया, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि आपको नोटबुक में भी कैसे करना है और बुक में। बुक में आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स और राइट द फिल इन द ब्लैंक्स और सही उत्तर पर सही टिक लगाओ, ये आपको बुक में करना है। नोटबुक में आप करोगे शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट पेज पे चलो, ऐसे करना है आपको, चैप्टर नंबर डालोगे सबसे पहले और उसका नेम लिखोगे, फिर आप शब्दार्थ लिखोगे। कितने शब्दार्थ है आपके यहाँ पे? तीन शब्दार्थ है, तो मैंने तीन लिखे, आप भी ऐसे ही तीन लिखोगे। उसके बाद अगला देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो फर्स्ट का ये रहा, क्या बोल रहा है ये, म्याऊ ने दूध कैसे पिया, म्याऊ ने दूध कैसे पिया, म्याऊ ने अपना पूरा मुंह लोटे में डालकर दूध पिया, म्याऊ ने क्या किया, अपना पूरा मुंह लोटे में डाल दिया और दूध पी लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा,
म्याऊं लोटे को क्यों पटकने लगा था? म्याऊं लोटे को क्यों पटकने लगा था? तो इसका आंसर होगा आपके, म्याऊं का मुंह लोटे में फंस गया था, इस कारण वह अपना मुंह पटकने लगा था। म्याऊं का मुंह क्या हो गया था? लोटे में फंस गया था, इस कारण वह अपना मुंह पटकने लगा था, ताकि वो क्या हो, लोटा बाहर, उसका मुंह लोटे से बाहर आ जाए। रितु ने म्याऊं को कैसे निकाला? रितु ने म्याऊं को कैसे निकाला? रितु ने म्याऊं को पकड़ा, बैठकर लोटा पांवों के बीच में रखकर म्याऊं को खींचा, ऐसे म्याऊं को निकाला। रितु ने क्या किया? म्याऊं को पकड़ा और बैठकर लोटे को अपने पांव के बीच में रखा और फिर क्या किया? म्याऊं को खींचा, ऐसे उसने क्या किया? म्याऊं को बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसकी आंखों में आंसू थे? किसकी आंखों में आंसू थे? तो म्याऊं की आंखों में आंसू थे। क्यों थे? क्योंकि म्याऊं का मुंह लोटे में फंस गया था और वो निकल ही नहीं रहा था, फिर रितु ने उसकी मदद की और उसको बाहर निकाला, तो म्याऊं की आंखों में क्या थे? आंसू थे। तो क्वेश्चन क्या आपका, किसकी आंखों में आंसू थे? तो म्याऊं की आंखों में आंसू थे। तो क्लास फर्स्ट चैप्टर 14 आपका कंप्लीट हो गया है। आपको अपनी नोटबुक में कैसे वर्क करना है ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।